नमस्कार, भाग्य में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से हो सकते हैं। आज 10 फरवरी 2020 है, फागुन मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, तिथि प्रतिपदा है, वास सोमवार है, विक्रम संवत 2076 चल रहा है, परधावी नाम का संवत्सर है, शक संवत 1941 और सूर्य उत्तरायण के अंदर है, शिष्य ऋतु चल रही है, मुस्लिम तारीख 15 है और जमादी उल सानी माह चल रहा है, हिजरी सन 1441 है। प्रतिपदा तिथि दिन में 9:45 तक है, उसके उपरांत द्वितीय तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र मघा है, दिन में 5:06 तक, उसके उपरांत पूरा फागुन नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग शोभन दिन में 11:32 तक, उसके उपरांत अतिगंड योग आरंभ हो जाएगा। करंट कौलव दिन में 9:45 तक, उसके उपरांत तैतिल करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 7:11 पर और सूर्यास्त 6:11 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर भ्रमण देखें तो सूर्य मकर राशि में, मंगल धनु राशि में, बुध कुंभ राशि में, बृहस्पति धनु राशि में, शुक्र मीन राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में, चंद्रमा सिंह राशि के अंदर भ्रमण कर रहे हैं। ग्रह योग की बात करें तो गणमूल दिन में 5:06 तक है और प्रमुख दिनों की बात करें तो द्वितीय तिथि 6 आज हो रही है। श्रेष्ठ चौगड़ियों की बात करें तो अमृता चौगड़िया सूर्योदय से लेकर के 8:34 तक, शुभका चौगड़िया 9:56 से 11:19 तक और चर लाभ अमृत का चौगड़िया 2:03 से सूर्यास्त तक रहने वाला है। राहु काल वेला दिन में 7:30 से 9 तक है। राहु काल वेला में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। यदि कार्यों को टाला जाना संभव ना हो तो प्रातःकाल सूर्योदयकालीन सूर्य के दर्शन करके ही कार्य प्रारंभ करें, इससे राहु काल के दुष्प्रभाव कम हो जाते हैं। दिशाशूल की बात करें तो आज पूर्व दिशा में दिशाशूल रहेगा। यदि पूर्व दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो और यात्रा टाला जाना संभव ना हो तो प्रारंभ करने से पूर्व दही और गुड़ का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, इससे दिशाशूल के प्रभाव में कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं कैसा रहेगा आज के दिन का मूड। आज चंद्रमा सिंह राशि के, सिंह राशि का चंद्रमा मित्रों दो बातें बहुत महत्वपूर्ण रूप से देना चाहता है, वो ये है, एक तो साहस। आपको अगर मन में ये लग रहा हो किसी भी चीज़ को लेकर के कि आप में साहस की कमी है, आप मन में उत्साह की कमी महसूस कर रहे हैं, डिप महसूस कर रहे हैं, किसी ऐसी चीज़ के लिए आपको बार बार कामों को टालने की आपकी प्रवृत्ति आपके मन में आ रही हो तो आज वो दिन है कि इन सब चीज़ों से पार पाते हुए आप अपने कार्यों पर बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से उस जगह पर हो सकते हैं जो आप काम करना चाहते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर सूर्य सिंह राशि के अंदर होता है तो मन बहुत उत्साहित होकर के कार्यों से अलग हटते हुए मौज मस्ती की तरफ भी जा सकता है। तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर आप पहले से उत्साहित हैं, पहले से ही पॉजिटिव हैं, पहले से ही आपको लग रहा है कि आप कार्यों के प्रति संजीदा रहते हैं तो फिर ये दूसरी स्थिति आपकी हो सकती है कि आप आनंद के लिए कार्य करते हुए दिखाई दें, तो आप इन दोनों चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। अगर आप डिप और किसी नकारात्मकता या कोई परेशानी के अंदर आपका मन था तो आज से पॉजिटिव हो सकते हैं, और आप बहुत मेहनत कर रहे थे पिछले दिनों और बहुत ही आपके मेहनत अच्छे उसमें जा रही थी, सारे कार्यों के अच्छे परिणाम आ रहे थे, तो आज एक रेस्ट का दिन, एक आनंद का दिन, मित्रों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से खुश रहने का दिन आज आप कह सकते हैं अपना। एक और बात यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जब शुक्र पहले से अपनी उच्च राशि के अंदर हो, शुक्र दिन के अंदर मन के अंदर एक इतनी पॉजिटिव और एक इतना आनंद और आह्लादित रखता है, पूरे माह ये यहाँ रहने वाला है तो वो पहले से ही आपका मन वहाँ पर है और उसी मूड को बढ़ाने के लिए चंद्रमा भी वहाँ पर मौजूद है, तो ये एक ऐसी स्थिति हो गई कि आप दो तरह से अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो प्रेम के अंदर अगर इसको हम देखना चाहें तो कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आज इस चीज़ को आप जिनके साथ रिलेशनशिप में थे, फ्रेंडशिप में थे, या जिनके साथ आपको लगता था कि अब चीज़ों को आगे बढ़ाने, एक दौर से आगे बढ़ाना चाहते हो रिश्तों को, तो वहाँ बात करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन आपके सामने, अपने साथी से आप बात कर सकते हैं कि अब रिश्ते को क्या हम अगले कुछ सोपान की तरफ लेके जाएं, किसी अगली कड़ी की तरफ आगे बढ़ें, तो आप देखेंगे कि दोनों के मन में लगभग एक ही बात होगी, आपकी बात को ना नहीं कह सकेगा साथी। एक चीज़ जो ऐसे जोड़े हों जहाँ पर कहीं तनाव पहले से चल रहा हो
मन के अंदर कोई किसी बात को लेकर के नकारात्मकता आ गई हो, रूठ गए हो, तो हर तरह की चीज़ें होती हैं, हम गृहस्थ जीवन में होते हैं, तो किन्हीं भी चीज़ों को लेकर के अगर नाराज़गी थी उन नाराज़गियों को दूर करने का आज एक अच्छा दिन है। आप कैंडल लाइट डिनर के लिए बाहर हो सकते हैं, अपने घर पर भी आप अच्छे से भोजन बना करके या घर की स्थितियों को ऐसा कि जिसमें एक दो घंटे उन आप दोनों को, दोनों साथियों को एक साथ अच्छे से बिताने को मिले, अगर ऐसा कोई प्रायोजन आज के दिन रखा जाता है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आपके रिश्तों से नकारात्मकता को दूर करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं चंद्रमा और शुक्र की स्थिति। इसके आगे अगर आप अविवाहित हैं, जिन माता पिता के बच्चे अविवाहित हैं और उनके लिए वो अच्छे कोई संबंध ढूंढ रहे हैं, उसके लिए भी आज बहुत बेहतर दिन है। अगर पहली बार आज आप मिल रहे हैं, इन ग्रहों की रोशनी में आप अगर मिल रहे हैं, तो लंबे रिश्तों को निभाने के लिए यहां से अगर शुरुआत करते हैं तो आप देखेंगे आज का दिन उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दो अनजान लोग अगर आज मिलेंगे और थोड़ी बहुत भी पॉजिटिविटी उनके बीच है पहले से, तो वो रिश्ते बहुत ऊंचे तरीके से बेहतर होते, बहुत बढ़िया उनके अंदर ऊर्जा आती हुई दिखाई दे रही है। व्यवसाय के लिए अगर आप देखें तो आज के दिन को इस मायने में बेहतर मान सकते हैं कि आज राहु व्यवसाय की राशि के अंदर तो बहुत तेजी से निर्णय करने की स्थिति आएगी, चंद्रमा भी सिंह राशि के अंदर तो बहुत तेजी से चीजों को आगे बढ़ाने के लिए काम करता हुआ दिखाई देगा। बृहस्पति मंगल के साथ में अपनी स्वराशि के अंदर है, ये चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके धन का रोटेशन तेज गति से चले, तो ये तीनों ग्रह व्यवसाय को आगे बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। आप अगर इनसे संबंधित किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो आप देखेंगे आप बेहतर ढंग से व्यवसाय के उसका आनंद ले पाएंगे। इसके साथ ही सूर्य और शनि दोनों साथ हैं, अगर राजनीति की बात करें तो मित्रों निर्णायक दौर के अंदर ये बात जा रही है, ऐसी स्थिति में जा रही है जहां दोनों पक्ष पूरी ताकत के साथ, दो विचारधाराएं एक ऐसी जगह पर खड़ी हैं जहां टकराव बहुत नजदीक है, तो किसी भी ऐसी स्थिति से, किसी भी ऐसी भीड़ भरी जगह से, किसी भी ऐसी व्यवस्था में जहां बहुत लोग एक साथ अपनी विचारों को रखने या उनके विरोध के लिए कहीं, आपको अगर आप इसका सीधे सीधे हिस्सा नहीं है तो आपको ऐसी जगहों से दूर रहना चाहिए, अन्यथा हो सकता है कि आप एक बिना किसी कारण के ही उस घटना के की समस्या में आ जाएं जो दो विचारधाराओं के बीच टकराव के कारण आ रही हो, तो ये बहुत महत्वपूर्ण ढंग से इसको देखे जाने की आवश्यकता है। बुध का श्रम की साध्य राशि यानी कि कुंभ राशि में होना इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि बहुत महत्वपूर्ण तरीके से व्यवसायगत चीजों को आगे बढ़ाने के तौर पर आज के दिन को आप देख सकते हैं। विदेश व्यापार में स्पेशली अगर आप विदेश व्यापार या विदेश से जुड़ी हुई चीजों या आयात निर्यात से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो आप देखेंगे कि आपको इसके लिए बहुत अच्छे तरीके से आपको आगे की लाइनें मिलती हुई दिखाई दे रही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इन नंबरों पर आप अपनी समस्याएं, अपने सवाल, अपनी जिज्ञासाएं हमें भेज सकते हैं। इस प्रोग्राम में हम उन समस्याओं को, आपके जिज्ञासाओं को रखेंगे और उनके जवाब इस प्रोग्राम में देना चाहेंगे। Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus.